हेलो फ्रेंड, जय माता दे। मेरे ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज पोहे की नमकीन की रेसिपी। ये है मूंगफली का दाना। एक कटोरी में मूंगफली का दाना ली थी, उसको रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। तो इसमें चटकने की आवाज़ आती है तो फ्राई हो जाता है मूंगफली में। तो इसी को हल्का मीडियम आंच पे फ्राई करना है। जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तो मैं मूंगफली फ्राई कर ली। उसके बाद एक काजू है, काजू भी एक कटोरी था। तो इसको अच्छे से, इसको भी मीडियम आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि काजू भी हल्का लाइट करना, गोल्डन कलर। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद अब ये बादाम है, इसको दो टुकड़ों में कर ली थी, तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिए। और अब ये पम्पकिन सीड्स है, इसको भी, ये हेल्दी रहता है, इसको ज़रूर नमकीन में डालना चाहिए। अगर है तो ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो फ्राई कर लिया उसको दिखा रही हूँ। फिर मखाना है, तो पोहे के लिए तो मखाना और ड्राई फ्रूट थोड़ा तो गए हैं। तो इसको फिर मखाना को भी फ्राई कर लिया, हल्का सा ही करना है, क्योंकि चटकता है, ज़्यादा घी लेता है। तो घी निकाल के फिर इसको मैं फ्राई की थी। फिर उसके बाद इसमें पोहा ले ली। पोहे को पतला पोहा है, मतलब एक देख एकदम पतला आता है, थोड़ा सा उससे मोटा है। फिर इसको मैं छन्नी में लेके इसी तरह से मेरी रिफाइंड डाल में इसको अच्छे से फ्राई कर ली थी। फिर एक टिश्यू पेपर पे करके निकाल ली थी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर सोख लेता है। तो वहीं बना रही हूँ, वहीं दिखा रही हूँ। सारा पोहा मैंने फ्राई कर लिया इसी तरह छन्नी पे। फिर किशमिश भूल गई थी, तो एक किशमिश भी इसमें डालना, क्योंकि खट्टा मीठा बनता है तो अच्छा लगता है। देखिए किशमिश है, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिए छन्नी में ही रख करके। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इस पर तड़का लगाएंगे पोहे में। तो पोहा सारा हमने फ्राई कर लिया था अच्छे से, उसी दिखाई थी आप लोग को। फिर ये तेल डाल करके इसमें फिर हरी मिर्ची डाली, थोड़ा सा एक चम्मच सौंफ डाली हूँ, और एक कड़ी पत्ता है। और इसके बाद इसमें थोड़ा हींग डालेंगे, और हल्दी, इसमें मसाला है हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, इसको डाल के हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा भूनने के बाद इसमें, उसके बाद ये अपना डालेंगे सफ़ेद तेल, थोड़ा सफ़ेद तेल भी, इस तब सर्दी आ रहा है तो सर्दियों में थोड़ा तेल का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। फिर तेल डाल के मैं हल्का सा फ्राई कर ली। फिर ये पोहा अपना इसमें डाल दी कढ़ाई में। तो थोड़ा कैमरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा, इग्नोर कीजिएगा। और उसको फिर उसमें अपना डाल दी, फिर ड्राई फ्रूट जो जितना भी ड्राई फ्रूट था सारा डाल दिए। हम मूँगफली मखाना जो भी था फ्राई करके दिखाए थे आप लोग को। और इसको डाल इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली, मिर्च, ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला है करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद दो चम्मच शुगर पाउडर भी डालेंगे, दो चम्मच शुगर पाउडर है, क्योंकि खट्टा तीखा सारा फ्लेवर के अंदर आना चाहिए हमारा। ये देखिए पोहे की नमकीन बन गई, एकदम टेस्टी, हेल्दी हेल्दी, फ्राई हुआ है तेल में ही, लेकिन फिर भी अच्छा है। देखिए मेरा जगह मतलब ज़्यादा था, तो उसको अलग अलग करके फ्राई की दो बार में। तो देखिए कैसा लगा नमकीन, जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट भी किया करिए अच्छा लगता है। तो फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।